हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी द्वारा जो टीआरए यानी शिक्षकों की बहाली का जो चरण वाइज चरण बहाली चल रही है, उसमें पहले नियमावली में यह अंकित किया गया था कि आपको परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग द्वारा 3 मौका को बढ़ाकर 5 मौका कर दिया गया है परीक्षा में पास करने के लिए। उसको बिहार गजट में प्रकाशित कर दिया गया है, आप भी देख सकते हैं। और इसका नाम रखा गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति या स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024। संशोधन नियमावली 2024 में मुख्य रूप से इस बात को इंगित किया गया है कि आपको अब 3 मौका की जगह शिक्षक बनने के लिए 5 मौके दिए जाएंगे विद्यालय अध्यापक को। ठीक है दोस्तों, और एक नया चीज़ जोड़ा गया है वह है फिटमेंट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दिया गया है यहाँ, आप देख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद निम्नलिखित नियम 13 के क फिटमेंट मैट्रिक्स का अंतः स्थापन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद निम्नलिखित नए नियम 13 के क फिटमेंट मैट्रिक्स के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा। 13 का क फिटमेंट मैट्रिक्स के अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति को इंगित करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देखिएगा आप, तो 3 नंबर में लिखा गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के उप नियम 6 का प्रतिस्थापन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के उप नियम 6 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। पहले यह नियम था कि अधिकतम आप परीक्षा में 3 बार ही भाग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी का बहाली चल रहा है उसमें प्रोन्नति का क्या सिद्धांत है उसको भी विशेष रूप से आप देख सकते हैं। विद्यालय अध्यापकों को जो है, जो विद्यालय अध्यापक अगर 1 से 5 में चयनित हुए हैं उनको 8 साल के बाद 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति दिया जाएगा उपलब्ध रिक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक जो है वह कक्षा 6 से 8 तक के वरीय विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। 8 वर्ष के बाद स्वस्थानिक उत्क्रमण होगा। कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक जो है कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के रूप में उनकी प्रोन्नति होगी 8 वर्ष की सेवा के बाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक वरीय अध्यापक कहलाएंगे, इनको भी 8 वर्ष को प्रोन्नति के लिए इंतजार करना होगा। स्वस्थानिक उत्क्रमण अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो प्रोन्नति दिया जाएगा वह उपलब्ध रिक्ति के अनुसार ही दे होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 9 to 10 वाले 11 to 12 के शिक्षक बन पाएंगे और 1 to 5 वाले 6 to 8 के टीचर बन पाएंगे अगर उनको उस सारी वांछित योग्यता और डिग्री होगी तो 8 साल के बाद अधिकार के रूप में यह दावा नहीं किया जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई जो है इसमें बहुत प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई है आप देख सकते हैं, और निलंबन जो है मुख्य रूप से समझा जाएगा कि अगर 48 घंटे से अधिक समय में आप न्यायिक या पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रह जा रहे हैं तो उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।
इसमें दंड के रूप में बृहद दंड होगा। बृहद दंड में बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदनावृत्ति, कम वेतनमान में पदनावृत्ति, संचय प्रभाव में वेतन वृद्धि को रोकना। लघु दंड में होगा निंदन, निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती, लेकिन लघु दंड में अधिक से अधिक 15 दिनों से अधिक न होना चाहिए वेतन कटना। गैर संचय प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना, प्रोन्नति को रोकना। ठीक है दोस्तों, निलंबन की अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण परीक्षा करेगा। निलंबित की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर उसे निलंबित किया जाता है किसी भी शिक्षक को, तो उनके मिलने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों का 50% मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें है कि आपका मूल वेतन किस प्रकार होगा, फिटबिट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार। कहने का अर्थ है 1 से 5 के शिक्षक का जो मूल वेतन होगा वह 25,000 होगा, 6 से 8 के शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 होगा। अगर यही शिक्षक 6 से 8 वाले अगर वे बड़िए हो जाएंगे, यानी 8 साल बाद वे बड़िए शिक्षक कहलाएंगे, तो उनका मूल वेतन 30,000 हो जाएगा। 9 से 10 के शिक्षक का मूल वेतन 31,000 होगा। 11 से 12 के शिक्षक का मूल वेतन 32,000 होगा। और 11 से 12 वाले जब बड़िए शिक्षक कहलाएंगे तो उनका मूल वेतन 34,000 हो जाएगा। जबकि 1 to 5 वाले प्रोन्नति के आधार पर 8 साल के बाद 6 to 8 में जाएंगे, जबकि 9 to 10 वाले 11, 12 यानी कॉलेज में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको बिहार गजट में प्रकाशित नया संशोधित नियमावली के बारे में हमने चर्चा किया और आपको दिखाया, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप विस्तार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि बिहार गजट में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 को प्रकाशित कर दिया गया है। अब यह पूर्ण रूप से पूरे बिहार में लागू हो गया। थैंक्स दोस्तों।